हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? मैं आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो आज हम लैब असिस्टेंट यानी प्रयोगशाला सहायक भर्ती का इंतजार करने वाले छात्रों के लिए बहुत अच्छी खबर है, क्योंकि आज राजस्थान कर्मचारी बोर्ड RSSMB की तरफ से भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। तो इस भर्ती में कैसे और कौन कौन फॉर्म भर सकते हैं, क्या एज लिमिट रहेगी, क्या फीस रहेगी, कब से फॉर्म स्टार्ट होंगे और कब इसकी एग्जाम कंडक्ट होगी, तो सारी डिटेल हम जानेंगे। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलो शुरू करते हैं। मैंने नोटिफिकेशन RSSMB की वेबसाइट से डाउनलोड कर लिया है। मैं आपको बताऊंगा कैसे डाउनलोड करना है। चलो मैंने नोटिफिकेशन डाउनलोड कर लिया है, तो उसके बारे में जानते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 16/3/2022 को नोटिफिकेशन जारी किया गया है। इसके क्रमांक संख्या 286286 के विज्ञप्ति संख्या है। देख सकते हैं इसमें वैकेंसी, आप देख सकते हो क्रमांक संख्या ये है, पद कोड ये है और पद का नाम ये है, विभाग नाम, कौन से विभाग में कौन से पद की वैकेंसी है, कितनी वैकेंसी है। तो आप देख सकते हो टोटल 1012 पद है इसमें, नॉन TSP और TSP, जैसे गैर अनुसूचित क्षेत्र जो नॉन TSP है और अनुसूचित क्षेत्र जो TSP क्षेत्र है। तो आप देख सकते हो क्रमांक संख्या 1, पद कोड भी 1 है इसका, प्रयोगशाला सहायक विज्ञान माध्यमिक शिक्षा विभाग। इसमें नॉन TSP में 218 पद है और TSP क्षेत्र में 243 है, 461 टोटल पद है इसके। सेकंड नंबर प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कृषि विभाग, इसमें 15 तो नॉन TSP के, 1 TSP के, 16 पोस्ट है इसमें टोटल। प्रयोगशाला सहायक विज्ञान इसमें कॉलेज शिक्षा आयुक्त, इसमें 282 तो नॉन TSP के, 26 TSP के, 308 टोटल पोस्ट है इसमें। प्रयोगशाला सहायक राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला, 14 नॉन TSP की पोस्ट इसमें और TSP की इसमें पोस्ट नहीं है, तो टोटल 14 पोस्ट है इसके अंदर। कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक राजस्थान विधि विज्ञान प्रयोगशाला 48, इसमें टोटल 48 पोस्ट है। प्रयोगशाला सहायक भूगोल राजस्थान शिक्षा आयुक्तालय, इसमें 123 पोस्ट है, 5 नॉन TSP के, 128 टोटल पोस्ट है इसमें। प्रयोगशाला सहायक कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, तो इसमें टोटल 35 पोस्ट तो नॉन TSP के, TSP की 2 है, इसमें 37 पोस्ट। तो आप देख सकते हो नॉन TSP की 735 है, TSP की 277 है, टोटल मिलाकर 1012 पोस्ट है। तो विशेष नोट में आप देख सकते हो आवेदन चयन के बाद जिस विभाग में प्रयोगशाला सहायक विज्ञान कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के पद पर पदस्थान चाहते हैं, उन विभागों में माध्यमिक शिक्षा विभाग, कृषि विज्ञान, कृषि विभाग, कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय, राज्य विधि विज्ञान प्रयोगशाला प्राथमिकता का क्रम ऑनलाइन आवेदन निर्धारित कॉलम में उससे भरे। तो जो पद आपको भरना है उसके हिसाब से आपको फॉर्म भरना है। जैसे आपने प्रयोगशाला सहायक के लिए माध्यमिक शिक्षा विभाग के विभाग के अनुरूप इस हिसाब से फॉर्म भरना है। तो आवेदन इसकी वेबसाइट से कर सकते हो या SSO पे आप कर सकते हो, RSSM की वेबसाइट पे जाके कर सकते हो। SSO पे जाके रिक्रूटमेंट पोर्टल को ओपन करना, उससे अप्लाई पे जाके फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो आप। आवेदन परीक्षा शुल्क आप देख सकते हो, आवेदन परीक्षा शुल्क इसमें आवेदन श्रेणी के अनुरूप निम्नानुसार शुल्क राज्य के निर्धारित ई मित्र की आवश्यक सुविधा के हिसाब से भर सकते हो। तो इतने सामान्य और क्रिमिनल एयर पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 450 रुपये, और नॉन क्रिमिनल एयर श्रेणी के पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग इनके लिए 350 है, और समस्त विशेष योग्य राजस्थान का अनुसूचित क्षेत्र, अनुसूचित जनजाति मतलब ST SC इनके लिए 250 फीस है। तो इनमें छूट भी दे रखी है, जिनकी 2.5 लाख से कम इनकम है उनके लिए भी इन्होंने छूट दे रखी है, आप देख सकते हैं। प्रवेश पत्र इसकी वेबसाइट पर अपलोड कर दिए जाएंगे एग्जाम से पहले। तो आप देख सकते हैं ये पदों की संख्या, ऐसे आप इसको देख सकते हैं नोटिफिकेशन डाउनलोड करके, कहाँ से कितनी पोस्ट है और कहाँ से अप्लाई करना, आप यहाँ पे डिटेल देख सकते हो। तो फॉर्म फिल करने से पहले इसको ज़रूर पढ़ लेना एक बार नोटिफिकेशन को। देख सकते हैं आप भूतपूर्व सैनिक के लिए भी अलग से इन वैकेंट कर रखी है वैकेंसी को। स्पोर्ट कोटा के लिए इन्होंने 2% दे रखा है, 2% सीट स्पोर्ट कोटा के लिए भी है। तो देख सकते अंतर्राष्ट्रीय खेल और टूर्नामेंट, ये इनके
एलिजिबल होना चाहिए, और पीएच वालों के लिए ले रखी अलग से 4%। इसमें पेमेंट देख सकते हो, वेतनमान राज्य सरकार दे सातवें वेतन आयोग के अनुसार प्रयोगशाला सहायक का वेतन इसमें पहले मैट्रिक लेवल 8 रहेगा, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक के लिए 5 रहेगा। इसमें अलग अलग है वेतनमान इनका, तो आप यहाँ से देख सकते हो। इसकी योग्यता देखते हैं, पात्रता एवं शैक्षणिक योग्यता। पद कोड नंबर 1 माध्यमिक शिक्षा विभाग के प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए वैकल्पिक विषय के रूप में निम्नलिखित विषय में से कम 3 विषय 12th के अंदर होना चाहिए, सूक्ष्म विज्ञान, जैव प्रौद्योगिकी, जैव रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान या जीव विज्ञान या गणित, इनमें से कोई भी 3 विषय होने चाहिए आपके 12th में। और देवनागरी के लिए भी हिंदी इनका ज्ञान होना चाहिए आपको। पद कोड नंबर 2 इसमें 2 से लेकर 5 प्रयोगशाला सहायक विज्ञान, कनिष्ठ प्रयोगशाला सहायक विज्ञान के लिए किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से विज्ञान विषय के साथ सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए, और हिंदी की नॉलेज तो होनी चाहिए उसको भी। पद कोड संख्या 6 किसी मान्यता बोर्ड से भूगोल विषय के सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य समक्ष ये होना चाहिए, तो पद कोड नंबर 6 के लिए, मतलब इसमें 12th में भूगोल ज्योग्राफी होना चाहिए, और देवनागरी लिपि हिंदी का ज्ञान होना चाहिए। पद कोड संख्या 7 प्रयोगशाला सहायक गृह विज्ञान, इसमें देखते हो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से गृह विज्ञान विषय के सीनियर सेकेंडरी या उसके समतुल्य होना चाहिए। तो आप देख सकते हो क्वालिफिकेशन इसमें अलग अलग दे रखी है पद कोड के हिसाब से। आप देख सकते हो पद कोड यहाँ दे रखी है, आप यहाँ से मैच कर लेना और उसके हिसाब से क्वालिफिकेशन देखना आप। तो ये पद कोड है 1 से लेकर 7 तक, तो अलग अलग क्वालिफिकेशन इनके लिए। इनके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पे जो अपेयरिंग वाले स्टूडेंट हैं उनके लिए मेंशन कर रखा है ना, जो फाइनल ईयर में पढ़ रहा हो तो वो भी इसको फॉर्म को फिल कर सकता हो, लेकिन जब वेरिफिकेशन होगा डॉक्यूमेंट उस टाइम पे उसकी डिग्री पूरी होनी चाहिए, मतलब 12th पूरी होनी चाहिए उसकी, तो अपेयरिंग वाले भर सकते हैं इसको। और ये स्वास्थ्य हेल्थ इनके लिए तो आप देख पढ़ सकते हैं इसको, और आयु देख सकते हो, आयु लिमिट एज लिमिट देखते हैं इसमें। आवेदन 1 जनवरी 2023, इसको 18 वर्ष पूर्ण कर चुका है, 40 वर्ष से ज़्यादा ना हो, मतलब 1 जनवरी 2023 से 18 वर्ष लेकर 40 वर्ष तक के इस फॉर्म को भर सकते हो। इसमें अलग छूट भी दे रखी है गवर्नमेंट की तरफ से, इसमें देख सकते हो एसटीएससी पिछड़ा वर्ग इनके लिए 5 साल की छूट दे रखी है, महिलाओं के लिए 5 साल की छूट है, और महिला एसटीएससी इनके लिए 10 साल तक की छूट दे रखी है। आप यहाँ पढ़ सकते हो एज के लिए। अलग अलग तरीके पेंशन नए भर्ती नियुक्त होने वाले कर्मचारियों के नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू रहेगी, ये मेरिट सर्टिफिकेट के लिए तरीके आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे। ऑनलाइन आवेदन की डेट आप देख सकते हैं, फॉर्म 25 मार्च से स्टार्ट होंगे, 23 अप्रैल तक फॉर्म चलेंगे, तो 25 मार्च से इसके फॉर्म स्टार्ट होंगे, डेट देख सकते हैं आप यहाँ पे 23 अप्रैल तक इसके फॉर्म स्टार्ट रहेंगे, तो 25 मार्च से 23 अप्रैल तक इसके फॉर्म चलेंगे। तो एग्जाम महीना देख सकते हो आप नोटिफिकेशन में, पॉइंट नंबर 13 इसमें इसने मेंशन कर रखी है एग्ज़ाम की डेट, 28 और 29 जून को इसके एग्ज़ाम होगी, मतलब 28 और 29 जून 2022 को इन्होंने पहले एग्ज़ाम फिक्स कर रखी है। आवेदन कैसे करना मैंने आपको बताई दिया है, ऐसे एसएसओ के थ्रू आप आवेदन कर सकते हो, या ई मित्र पर जाके बोल दीजिए, वो कर देंगे आपके। उसमें देख सकते हो इमेज सफ़ेद है, हल्का रंग होना चाहिए इसका बैकग्राउंड फोटो का, चेहरा कम से कम 50% जगह घेरना चाहिए, मतलब क्लियर होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। उसमें सिग्नेचर के लिए दे रखिए अलग से, ये आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हो आप इमेज का, ये सिग्नेचर का।
अगर ऑनलाइन आवेदन की तरफ समय कोई गलती हो जाती है तो उसको संशोधन के लिए बाद में टाइम दिया जाएगा, तो उसकी अलग से फ़ीस दी जाएगी 7 दिन के अंदर, तो 300 रुपये इसकी फ़ीस होगी। तो आप सर्वे फॉर्म रहते हो केयरफुली भरना, बाद में संशोधन करने के लिए अलग से पेमेंट नहीं देना हो। जाति प्रमाण पत्र की वैधता देख सकते हो, STSC प्रमाण पत्र जीवन पर्यंत होगा, आप यहाँ पर पढ़ सकते हो, ये जीवन पर्यंत। और OBC के लिए संबंधी प्रमाण पत्र एक बार ही जारी किया जाओगे, परंतु किमी लेयर के लिए नहीं होने वाले संबंधी 3 वर्ष के लिए सम्मत पत्र आधार मान्यता दी जाएगी। कोई भी प्रोफेशन गलत ना पड़े, तो आप देख सकते इसकी वेबसाइट है, तो चलो इसकी वेबसाइट चलते हैं और बताते हैं कैसे इसको डाउनलोड करना है नोटिफिकेशन को। मैंने गूगल क्रोम ब्राउज़र ओपन कर लिया है, इसमें सर्च कर लीजिए आप rsmssb.rajasthan.gov.in, इसको सर्च करो तो ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। अगर आपके ऐसे वेबसाइट ओपन नहीं हो रही थी, यहाँ से आप डेस्कटॉप मोड में ओपन कर सकते हो। तो न्यूज़ नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा आ रहा है, इस पर क्लिक करना, नीचे स्क्रॉल करोगे तो आप देख सकते हो लैब असिस्टेंट रिक्वायरमेंट 2022 ऑर्डर रिकॉर्डिंग रिपब्लिकेशन एडवर्टाइजमेंट, तो यहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हो इस पर क्लिक करके। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद दोस्तों।